हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। पहली बार आपका ये डेब्यू हुआ भोजपुरी फिल्म में, यू आर टॉप इन एक्ट्रेस, सो व्हाट वाज द रीजन टू बिकम अ पार्ट ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री? So first of all, I have to thank to all the audience and who are watching this, and sabko namaskar, and thanks for this warm welcome to the Mumbai for me. And पहली बार मुंबई आई हैं, first time मुंबई आई हैं। First time. So पहले मैं director को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि to make me a part of this film and introducing me to this Bhojpuri. And I'm doing with the superstar Chintu Pandeyji. I'm very happy to be part of this. Let's see my luck in Bhojpuri. But इन्होंने पहले तेलुगु में इन्होंने तकरीबन पांच फिल्में इन्होंने तेलुगु में आज लीड इन्होंने कर चुके हैं। But while talking about south films, मतलब south films budget wise भी काफी ज़्यादा होता है, you know, more reach, more budget, more bigger stars. तो फिर you didn't have any objection when you approached for the film or for the role? No, I didn't have any objection. But the story was good. The concept was the main. So that's why I'm very confident to be a part of this. Which means you are very broad-minded as an actor. Another artist, अगर approach किया जाता है तो शायद वो accept नहीं करती। तो do you think you are a little broad-minded? ज़्यादा आप करते हैं, you know, सोचने का नज़रिया बड़ा है चीज़ों के लिए। What do you say about yourself? आपने उन्हें क्या कहना चाहेंगे? So I believe in story is the hero, and basically I used to believe in selecting the movies, and Chintuji be a very, he used to select very good films and concept based. So that's why reason I came. But there is यार अब तो ऐसा नहीं है, अब तो हर, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि लैंग्वेज बैरियर तो अब तो कहीं नहीं रहा। इनफैक्ट आप देखो, अभी तो पवन जी का अभी तो ये है, अभी तो आगमन तो इनका अभी हुआ है। इसके पहले राहुल देव जी, उन्होंने दुल्हन जय पाकिस्तान से टू किया। मुकेश ऋषि जी दुल्हन जय पाकिस्तान से वन, बट ऑब्वियसली टीनू वर्मा जी। तो जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बात होता है कि कौन मेकर किसको जाकर अप्रोच करता है। जैसा कि अभी प्रदीप रावत जी ने किया क्रैक फाइटर में, तो जो भी जाके जिसको अप्रोच करेगा, अजय देवगन सर ने किया हुआ है भोजपुरी फिल्म, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने की हुई है, अमिताभ बच्चन साहब ने, द लीजेंडरी अमिताभ बच्चन जी ने तीन फिल्में किया हुआ है भोजपुरी में। तो बात उसकी नहीं, बात है अप्रोच की। अगर आपके पास अच्छा कहानी हो, अच्छा कॉन्सेप्ट हो, और आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट में ये कलाकार बैठ रहे हैं, इनको लेना चाहिए, तो वो आप अप्रोच करोगे, और अगर उनको पसंद आएगा तो डेफिनेटली कोई भी करना चाहेगा। कितना अलग था आपके लिए तो भोजपुरी समाज से बाहर निकल के किसी दूसरी इंडस्ट्रीज की एक्ट्रेस के साथ समाज, फिर वही बात भोजपुरी की या किसी अन्य, हम हाँ, अगर ये आप सवाल करते, जब मैं, अगर मैं भोजपुरी फिल्म लेके जाके मैं लंदन में कर रहा होता और उसमें हीरोइन लंदन की होती या उसमें हीरोइन पाकिस्तानी होती, हम पाकिस्तान में कर रहे होते अगर फिल्म, तो ये सवाल होता। बात भोजपुरी और साउथ की नहीं है, बात हमारे हिंदुस्तान की ही है, वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। हाँ, पूरी तरह डिफरेंट था क्योंकि वहाँ का जो टेक्निक है, वहाँ के कलाकारी में एक अलग बात है। एंड स्पेशली पावनी जी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल भी है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक्ट्रेस भी कलाकार भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बहुत कमाल की अदाकारा हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके साथ काम करने में। हमने काफ़ी जब सीन्स करते थे तो कई शब्द हमारे भोजपुरी में जो एकदम ठेठ, जो देसी होते थे, तो शी यूज़ टू आस्क कि मतलब ये इसका क्या मतलब है, तो मैं बताता था, तो कई बार ये हंस देती थी, हंस पड़ती थी कि शब्द ऐसे होते थे। तो और कई बार ऐसा होता था कि हम लोग इनके, मैं जब ये तेलुगु बोलती थी आपस में, तो मैं इनसे पूछता था कि इसका मतलब क्या है, तो कई बार तो ऐसे ऐसे शब्द आते थे जो सुन के सारा आदमी कान एकदम बहरा हो जाए कि वो हम लोग के यहाँ गाली है और इन लोग के यहाँ वो अच्छी चीज़ है, तो ऐसे कई बार हम लोग फंस जाते थे। आपने बहुत पुलिस क्या कहीं तक? Yeah, I tried, but this the debut film. अच्छा, फिल्म में कोई ऐसा लगा जो बहुत पुलिस आप बोल सकें? अभी मैं प्रॉम्प्टर ही हम अपना दर्शक लोग के, हम अपना दर्शक लोग के बहुत प्यार करें, बहुत प्यार करें, और हम चाहता नहीं, और हम चाहता नहीं, चाहता नहीं, चाहता नहीं, और हम चाहता नहीं, और हम चाहता नहीं कि रवा लोग, कि रवा लोग भी हमरा से, भी हमरा से बहुत 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 चिंटू जी जितना
चिंटू जी जितना हम इनका की सबसे पहला पता वा सिखाने हम इनका सिखाने की देखिए आपको भोजपुरी स्टार्ट करना सबसे पहले सीखिए कि हम रवा से बहुत प्यार करेंगे पहले दिन हम ये सिखा देंगे कि तू हमके रोज सुबह सुबह जब हम लोग मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलना यही बोलना कि हम रवा से बहुत प्यार करेंगे हमारे फायदा रहेंगे तमिल तेलुगु मलयालम को सबसे अच्छा कौन सा लैंग्वेज आता है So, I used to talk in Telugu. Telugu में अपने दर्शकों को भोजपुरी फिल्म दिखाने के लिए Telugu में बात करके Telugu में भोजपुरी फिल्म देखने या अंदर की नमस्कार अंडी ना अपने पाव नी सो माना टॉलीवुड नींची ने भोजपुरी के रावण जरी इन्हीं भोजपुरी लोग मूवी चेस है ना सो ईरोज ना मूवी रिलीज है इन्हीं सो అక్కడ హైదరాబాద్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్కి చెప్తున్నాను ప్లీజ్ మా మూవీని చూడండి ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా ఇక్కడ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అలానే మీరు తప్పకుండా చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ हम ये मजा पूरा 40 दिन लेनी है खाली बगली बैठ के ही बोलत रहनी हम खाली मजा लेते रहनी वाह कितना सुंदर बोला बहुत सारे हीरो हैं रजनीकांत जी हैं पवन कल्याण जी सुपर स्टार हैं सूर्या जी का ही सुपर स्टार है चिंटू जी के साथ काम करके कैसा लगा उन लोगों के साथ काम अपने काम करके I didn't work with them, so and this is my upcoming, so I'm trying to do. But he's asking ki what is the difference between working with the Telugu actors and what is the difference between acting with, performing with Pradeep Pandey Chintu. I thought, first of all, he's a superstar in Bhojpuri. Thank you so much. But he's a very down to earth. I used to thought I was very nervous. On first day, I used to very nervous how I should talk and how it will be, how the treatment will be there. So on the first day, when I was in makeup, he used to came me and he met me once. So that day onwards, he used to treat very corporate and feel free with actress, co-actress. देख ये नो कहानी है यूपी बिहार के जादू वाला यूपी बिहार के लोग मिलकर जादू वाला मतलब आर यू वेर यू अवेयर ऑफ एनी फिल्म्स भोजपुरी फिल्म भोजपुरी स्टार्स मतलब अर्लियर बिसाइड चिंटू एनी स्टार्स यू नो अर्लियर Or have you watched any Bhojpuri film before that? I didn't saw any Bhojpuri film. We used to talk. नहीं क्योंकि हम काफी बार बात करते थे और मैं उनको हमारे अपने हाँ हमें अपने जी मैं उनको बताता था कि अपने हमारे इंडस्ट्री के बारे में हमारे इंडस्ट्री के स्टार्स के बारे में हमारे इंडस्ट्री के बारे में सिनेमा के बारे में क्योंकि ये पूरी तरह एक अलग जोनर में है ना तेलुगु में तो वहाँ पर भोजपुरी को ज़्यादा नहीं जानते हैं जो प्रॉपर तेलुगु से यही जो सवाल जो बार बार ये वही जवाब है जो मैं देना चाह रहा हूँ कि मैं इसीलिए मेरा करने का जो सबसे बड़ा कारण था ये साउथ के लोगों के साथ हैदराबाद के लोगों के साथ ये फिल्म को कि ताकि जब वो हम कहीं भी जब बाहर जाएंगे तो वो हमारी चीज़ों को जानेंगे जैसा हमारे यहाँ जो भिखारी ठाकुर जी थे जब वो बाहर गए प्रोग्राम करने मंच करने तो उन्होंने लोगों के बारे में तो बहुत लोगों को जागरूकता भोजपुरी की हुई तो खाली उन्होंने बल्कि कई ऐसे कलाकार कई ऐसे भारतीय कलाकार जब वो बाहर निकले और लोगों को बताया हमारे बारे में अपने बारे में तब लोगों को पता चला है तो यही बातें होती है कि जब आप बाहर निकलते हो बाहर बात करते हो बताते हो लोगों के बारे में आप उनके साथ जब काम करते हो तो उन लोगों को आपके बारे में पता चलता है आपकी इंडस्ट्री के बारे में आपके सिनेमा के बारे में एंड कई मज़ेदार किस्से भी हम डिस्कस करते थे इनकी इंडस्ट्री के हमारे इंडस्ट्री के तो ये सारी आपका परिवार के साथ सिनेमा घरों के बाजू आपके बाजू के सिनेमा घरों के पास जाके जरूर देखना है आपको बहुत मजे आते हैं और हमारी जोड़ी भी बहुत मजे आते हैं लेकिन हिंदी में बात करें यार हिंदी बड़ा अच्छा है क्या सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगता है इतने देर से कहाँ अंग्रेजी बतिया रहे थे जी आप लोग चिंटू भी कुमारा है मतलब शादीशुदा नहीं है आपको पसंद है हाँ बोल देना मेरा बेइज्जती नहीं करना अच्छा हाँ
अच्छा हाँ नहीं अच्छे से बोलो आप ऐसे आपको एग्री है मैं तो पहले दिन से एग्री मैंने पहले दिन पहुंच के सिखा दिया था हाँ मैंने तो पहले दिन पहुंच के सिखा दिया था चिंटू पांडे के साथ ये पावनी के साथ होने वाला है ये तो कुछ ज्यादा हो गया भाई ये कुछ ज्यादा हो गया मीडिया काम में एग्री कर लेते हैं के साथ उनकी शादी होगी है ना चिंटू जी रहते थे एक और पंडित जी को कब बुलाया जाए हां ऑन द सेट ऑन द सेट ये बहुत सही हाँ एक अभी नायक के टीम जो रमना मुरली जी हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है अब वो इस सफलता के बाद इस खूबसूरत एक्सपीरियंस के बाद हमने फिर से मैं और रमना जी हम लोग फिर से एक सिनेमा का निर्माण करने की शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए फिल्म की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम की घोषणा आपको बहुत जल्द हो जाएगा उसका अभी कहानी अभी डिस्कशन हो रहा है और उसका टाइटल इसका शीर्षक अभी रखा जा रहा है जैसे इसका शीर्षक रखा जाएगा बहुत जल्द आप सबको आप सबके बीच में मेरे पूरे भोजपुरिया समाज के बीच में वो नाम आएगा और वो सिनेमा आएगा और उसे हम सबका प्रयास है कि हम लोग और नायक से भी बेहतरीन बनाएं नायक से और बड़े लेवल पर और भी अच्छे लेवल पर उसे सिनेमा बनाएं कि ताकि आप सब लोग पूरी तरह एंटरटेन होते रहें लेकिन पूरी तरह पारिवारिक और साथ साथ आप हमारे सारे वर्ग के लोगों के लिए सारे क्लास के उम्र के वर्ग के लोगों को मद्देनजर रखते हुए सिनेमा का निर्माण करेंगे और एक नई और कमाल की खूबसूरत कहानी लाएंगे और मैं चाहूँगा कि ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और जो इस फिल्म को बनाने वाले हैं मैं उन दोनों को मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूँगा प्लीज़ आइए रमना जी आइए नायक जैसे कि मेरा नाम दीपक बलदेव वी आर बेस्ड आउट हैदराबाद बेस्ड प्रोडक्शन हाउस कंपनी एंड रमना इज मेरा अच्छा मित्र है कई सालों से हम इसे जानते हैं तो इनका काम हमने देखा है एंड नायक की शूटिंग पे भी हम काफ़ी बार विजिट किया था हम लोगों ने तो जिस तरह से क्वालिटी ऑफ वर्क इन्होंने किया है तो मेरे और मेरे टीम जो है मेरे प्रोडक्शन हाउस की तो वी आर वेरी इंप्रेस्ड विथ इस क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द कंटेंट जो ये कहानी में दिखाते हैं तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन भोजपुरी अलॉन्ग विद द सेम टीम ऑफ नायक एंड विद ऑल द सपोर्ट ऑफ आवर यंग एंड हैपनिंग हीरो सो होपिंग फॉर द बेस्ट मुरली जी आप कितना खुश हैं नई फिल्म आपको एक और मिली इस बहुत कुछ बहुत अच्छा लगेगा ना ये फिल्म रिलीज होने के बाद नेक्स्ट डे और एक फिल्म मिलते तो पहले खिलाड़ी नंबर वन किया था दिनेश जी का साथ उसमें दिनेश जी और पाकी जी और मनोज टाइगर जी उसमें विलन तेलुगु से बुलाया राम रेड्डी सर उन्होंने हिंदी में भी बहुत ज्यादा फिल्म किया था उसका बाद मैं मर्द नंबर वन किया था मनोज तिवारी सर से उसमें मनोज टाइगर जी और मनोज तिवारी जी भी और नेक्स्ट मैं और एक फिल्म भोजपुरी में किया था कसम दुर्गा की इसमें रानी चटर्जी और मनोज भैया भी दोनों का साथ और फोर्थ फिल्म नायक अभी रिलीज है आज बहुत बड़ा रेस्पॉन्स आया सबको धन्यवाद और उसका प्यार के लिए वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट फिल्म मेरा दोस्त मेरा बचपन से एक्चुअली 20 ईयर्स से उन्होंने मेरा दोस्त है उन्होंने मेरा फिल्म देखने के बाद मेरे साथ एक फिल्म बनाने के लिए अभी बोला था हम बहुत एक्साइटमेंट एंड हैप्पी मोमेंट इस टाइम उसका एक्चुअली दीपक बोलते तो मेरा पुराना दोस्त है लेकिन उसका साथ और एक आदमी है ऐसे ही बोल के उन्होंने उसको बोल के कंफर्म कर दूंगा अच्छा फिल्म बनाएंगे करके पूरा होप उसका ऊपर रख के दोनों मिलकर
कर रहे हैं। थैंक यू अजय सर, और ये फिल्म हाँ करने के लिए भैया को भी थैंक्स बोल रहा हूँ। जाने के बाद पावनी होगी पावनी अभी बोल रहे ना क्या काम करते अभी बोल रहे पावनी वो पावनी वो गुलदस्ता है वो गुलाब है जिसके बिना गुलदस्ता सज नहीं सकता है। तो वो मेरा टीम एस डी टीम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ 99.9%। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना हिंदी क्लैपिंग हिंदी के लिए इतना लंबा हिंदी बोले। जब मैं सच्ची जब मैं पहली बार जब नायक करने गया था और जब ये मुझे कहानी सुनाने आए थे तो इनको हिंदी का हब ही नहीं आता था, बल्कि इनका कहानी जो राइटर है हमारे लालजी यादव वो सुना रहे थे। लालजी यादव जी हमें कहानी सुना रहे थे पूरी और वो बता रहे थे, तो एक ट्रांसलेटर थे जिनका नाम था विक्षु अन्ना जो आए थे, तो वो ट्रांसलेट करते थे तेलुगु से भोजपुरी में, तेलुगु से हिंदी में। तो ये इन्होंने इतना हिंदी बोला, ये मेरा असर है YouTube app and never miss another update.